सत श्री अकाल पंजाबी खबरां देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। वैष्णो देवी मंदिर कोल भगदड़ की घटना बारे सूचना सांझी करने लई नोटिस जारी। हादसे च गई सी 12 लोगों की जान। पंजाब च पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना कारण 3 मौतां, 417 नवे केस आए सामने। पंजाब दे नौजवानां नूं 4 जनवरी नूं सौगात देणगे सीएम चन्नी। पंजाब कैबिनेट की बैठक भी 4 जनवरी नूं होवेगी। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक जनतक नोटिस जारी करके वैष्णो देवी मंदिर कोल भज दौड़ की घटना के चश्मदीदा तो घटना की जानकारी सांझी करन लई किया। जनतक नोटिस जम्मू डिवीजन कमिश्नर राघव लंगर वालों जारी किया गया, जो घटना की जांच लई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वालों गठित कमेटी के मैंबरां चों इक है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी तीर्थ खेत्र च मची भज दौड़ च 12 लोगों की जान चली गई सी ते घट्टो घट 16 होर जख्मी हुए सन। नोटिस लिखा गया कि यह आम जनता की जानकारी लई है ते कोई भी अजिहा व्यक्ति जो घटना के संबंध कोई तथ्य बयान इलैक्ट्रॉनिक सबूत आदि पेश करना चाहता है उसनू सांझा कर सकता है। पंजाब च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण 3 मौतां हुईयां ने, जदों की 417 नवे केस सामने आए ने, जिस कारण एक्टिव मरीजों की गिनती 1369 हो गई, जदों की सूबे में हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 605,509 है, जदों की 587,492 मरीज ठीक होकर घरों नूं जा चुके ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री पंजाब दे नौजवानों नूं 4 जनवरी नूं कोई वड्डी सौगात देण जा रहे ने। इस संबंधी उन्हां वल्लों अपने फेसबुक पेज ते एक पोस्ट पाके जानकारी दित्ती गई है। दस दईए कि पंजाब कैबिनेट की अगली मीटिंग 4 जनवरी नूं होण जा रही है। यह मीटिंग पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की प्रधानगी हेठ मंगलवार शाम 6:45 ते शुरू होवेगी ते मीटिंग दा एजेंडा बाद मौके ते ही तय किया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल मान वालों बेअदबी के इंसाफ लैण दे लई ते दोषियों ते कार्रवाई करन दे लई प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके हरबीर संधु, अमरीक सिंह नंगल, हरजीत सिंह मियांपुर, गुरबचन सिंह पवार, कुलवंत सिंह ते होर मैंबर हाजिर रहे। दो हफ्तियां विच नशा खत्म करन दा वादा करके सत्ता विच आई पंजाब सरकार दे राज विच अज भी पंजाब दे नौजवान नशे दी ओवरडोज नाल मर रहे ने। ताज़ा मामला गुरदासपुर दे हलका दीनानगर दे पिंड पटौआ तो सामने आया, जिथे पिंड दा 21 साला नौजवान सौरव नशे दी ओवरडोज कारण उसकी मौत हो गई है। पिंड वासियां ते परिवारक मैंबरां दा कहना है कि उन्होंने पिंड विच शरेआम चिट्टे का नशा विक रहा है, पर उसनू रोकण लई पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। श्री आनंदपुर साहब का किला छड़न तो बाद सरसा नदी के परिवार विछोड़े तो उपरंत माछीवाड़े के जंगलों चो लंघते हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आलमगीर हेरा होंदे हुए रायकोट की धरती से चरण पाए सन, जिसकी याद में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जथेदार जगजीत सिंह तलवंडी मैंबर SGPC की देखरेख हेठ गुरुद्वारा टालियाणा साहब पातशाही 10वीं रायकोट विखे मनाया जाता 3 रोजा रायकोट का जोड़ मेला विशाल नगर कीर्तन न आरंभ होया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया ते 5 प्यारियां दी अगुवाई विच सजाए गए विशाल नगर कीर्तन दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप फुलां नाल शिंगारी सुंदर पालकी साहब विच सुशोभित सन। उत्थे ही संगत भी गुरु साहब नूं नतमस्तक होने लई पहुंची हुई सी।
बीते दिन बटाला पुलिस के अधीन पैंदे कस्बा घुमाण विखे 1000 रुपए के लैन देन नूं लै के 22 साल नौजवान अजय कुमार का तेज धार हथियार नाल कतल कर दिता गया सी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के कतल का केस भी दर्ज किया सी, पर मृतक के परिवारक मैंबर ने कस्बा घुमाण के चौंक में मृतक की देह रख के पुलिस प्रशासन के खिलाफ चक्का जाम करके रोस प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि कातलों नूं जल्द गिरफ्तार किया जाए तो सख्त कार्रवाई भी की जाए। एसटीएफ लुधियाना रेंज नूं उस समय वड्डी सफलता हासिल हुई जदों पुलिस पार्टी ने एक मोटरसाइकिल सवार नूं गुप्त सूचना के आधार पर काबू किया। उस कोलों 660 ग्राम हैरोइन बरामद की गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुलजम खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लुधियाना पुलिस नूं उस वेले वड्डी सफलता हासिल हुई जदों पुलिस टीम ने लुटा खोहां करन वाले 3 मैंबरां नूं काबू किया। पुलिस अधिकारियों ने दस्सिया कि इन्हां विचों इक दोषी ने कुछ समां पहलां सग्गू चौंक तों इक एक्टिवा चोरी की सी। पुलिस टीम ने खास मुखबर की इतलाह ते चोरी की एक्टिवा समेत चोर ते उसके 2 साथियों नूं काबू कर लिया, जिन्हां पासियों 6 एक्टिवा ते 2 मोटरसाइकिल बरामद होए ने। बटाला दे मालवे दी कोठी इलाके विच उस वेले सनसनी फैल गई जदों उत्थों दे रहण वाले एक 12 साल दे बच्चे सुमित दी लत्त ते गोली मार दित्ती गई। दस्सिया जा रहा है कि बच्चा पतंग लुट रहा सी ते गुआंढ दे खेतां विच चला गया, जिथे खेत मालक ने बच्चे दी लत्त विच गोली मार दित्ती ते बच्चे नूं हस्पताल च भर्ती करवाया गया, जिथे उसका इलाज जारी है। पुलिस वल्लों मामले च बनदी कार्रवाई की जा रही है। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्नवाद।